अमिताभ बच्चन और डैनी वैसे तो कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब डैनी अमिताभ का नाम सुनते ही फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिया करते थे। डैनी ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से खुद को क्यों रोका था। साल 2018 में एक पुराने इंटरव्यू में डैनी ने ये खुलासा किया था, अगर वो अमिताभ बच्चन के साथ एक ही फ्रेम में होते हैं तो उन्हें नोटिस नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि इस वजह से उन्होंने मर्द और कुली सहित चार फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था, जो फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई ने उन्हें दी थी। डैनी और अमिताभ पहली बार साल 1990 में फिल्म अग्निपथ में नजर आए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हम, खुदा गवाह, कोहराम, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों और ऊंचाई जैसी कई फिल्मों में काम किया। डैनी बताते हैं कि मैं अमित जी के साथ काम करने से खुद को रोकता रहा। मुझे लगता था कि वो बहुत ही बड़ा अभिनेता है जिसे बेहतरीन भूमिकाएं मिलती हैं। अगर मैं उनके साथ एक ही फ्रेम में होता हूँ तो मुझे कोई नोटिस नहीं करता। अगर फिल्म हिट होती है तो सारा श्रेय उन्हें जाता है, लेकिन अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो नए आदमियों को दोष दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि एक बार मैं फिल्म सिटी में था जहाँ माजी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वो अपने घुटनों के बल बैठकर सबके सामने मुझे चिढ़ाते थे, सर प्लीज मेरे लिए एक फिल्म कर लो। मैंने जवाब दिया था कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ऐसा कहा जाता है कि डैनी अपने उसूलों के बड़े पक्के थे, वो फिल्मों में सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम किया करते थे। डैनी ने साल 1972 में आई फिल्म जरूरत के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनकी आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ऊंचाई थी,